Swayam Prabha, Digital India, Educated India. Swayam Prabha, Digital India, Educated India. नमस्कार हम सब जानते हैं कि एक लोकतांत्रिक व्यवस्था बुनियादी रूप से नागरिक स्वतंत्रताओं की सुरक्षा की भी गारंटी देती है यानी हम अगर यह दावा करते हैं कि हमारी व्यवस्था लोकतांत्रिक व्यवस्था है तो इसका अर्थ यह है कि नागरिकों के पास अपने विचार अभिव्यक्ति की आज़ादी भी होगी सिर्फ यही काफ़ी नहीं है कि नागरिक वोट डाल पाएँ सिर्फ यही भी काफ़ी नहीं है कि उन्हें अपनी आर्थिक गतिविधियों को चलाने की इजाज़त हो बल्कि यह भी ज़रूरी है कि वे अपने विचारों को खुलकर रख पाएँ अगर उन्हें लगता है कि सरकार की या राज्य की कोई नीति गलत है तो वो खुलकर उसका विरोध कर पाए यह ज़रूर है कि विरोध करते हुए उन्हें संविधान के द्वारा तय किए गए मानकों कानून व्यवस्था के द्वारा तय किए गए सामान्य मानकों से अलग या आगे नहीं जाना चाहिए बल्कि उनका सम्मान करना चाहिए लेकिन आ, हर लोकतंत्र को बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है उनमें से एक बड़ी चुनौती यह होती है कि किस तरीके से समाज के भीतर जो तोड़ने वाले तत्व हैं किस तरीके से समाज के भीतर विक्टनकारी प्रवृत्तियों या सांप्रदायिक सोच या आ, हिंसा को बढ़ावा देने वाली सोच रखने वाले जो समूह हैं उन्हें नियंत्रित कैसे किया जाए किस तरीके से उन पर एक बंदिश लगाई जाए और इसके कारण से कई बार असाधारण कानूनों की ज़रूरत पड़ती है और आज के दौर में हम आतंक विरोधी कानूनों की अवधारणा भी देखते हैं भारतीय शासन और राजनीति के अंतर्गत जो हम चर्चा कर रहे हैं आज की उस चर्चा श्रृंखला में हम भारत में आतंक विरोधी कानूनों के बारे में बात करेंगे ये आतंक विरोधी कानून भारत के भीतर जो लोगों को स्वतंत्रताएं दी गई हैं कई बार इनके प्रावधान उन स्वतंत्रताओं को सीमित करते हुए लगते हैं लेकिन हमें यह भी समझना होगा कि हिंदुस्तान में यानी कि हमारे देश में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से ही असाधारण कानूनों का एक पूरा समूह रहा है समय समय पर अलग अलग तरह के असाधारण कानून बनते रहे हैं और आतंक विरोधी कानून उन्हीं असाधारण कानूनों का एक रूप है और ये असाधारण कानूनों से ज्यादा में ज़्यादा खतरनाक कानूनों का प्रतिनिधित्व करते हैं क्योंकि इनकी जो प्राव इनके जो प्रावधान होते हैं वो ज़्यादा सख्त होते हैं और इनके भीतर जब किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो उसे जेल से छूटने के लिए या अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए ज़रूरत आम कानूनों से ज़्यादा कुछ साधन या कुछ सबूत देने की ज़रूरत होती है बहरहाल हम आ, यह भी समझेंगे आगे कि साधारण और असाधारण कानूनों में क्या अंतर होता है और फिर हम यह देखेंगे कि, कि किस तरीके से आ, भारत में जो आतंक विरोधी कानून हैं वो रहे हैं हमारी पूरी चर्चा आतंकवाद और आतंक विरोधी कानूनों की एक सामान्य समझ से शुरू होगी और फिर हम भारत के इतिहास में स्वतंत्र भारत के इतिहास में असाधारण कानूनों की एक संक्षिप्त इतिहास पर आ, या उनकी एक संक्षिप्त वृतांत पर ध्यान देंगे उसके बाद हम एक सैद्धांतिक वाद विवाद को भी समझने का प्रयास करेंगे कि किस तरीके से आखिर आतंक विरोधी कानूनों को जस्टिफाई किया जाता है उनके पक्ष में तर्क कैसे दिया जाता है और उसके बाद हम भारत में मौजूद आतंक विरोधी कानूनों को देखेंगे इसमें विशेष रूप से टाडा पोटा और यूएपीए पर हमारा ध्यान होगा आगे मैं आपको टाडा पोटा और यू के बारे में विस्तार से बताऊंगा जिसमें यह बात भी शामिल होगी कि इन तीनों कानूनों का फुल फॉर्म क्या है जो सबसे बुनियादी चीज़ है वो यह है हम सबके लिए समझने की कि इसमें कोई संदेह की बात नहीं है कि एक लोकतांत्रिक समाज के रूप में हम आतंकवाद की समस्या का सामना कर रहे हैं आतंकवाद अपने आप में आ, कोई व्यवस्थित विचार नहीं है सीधे तौर पर आप किसी के खिलाफ हिंसा करके किसी को मार कर कहीं बम विस्फोट करके कहीं फियादीन हमला करके जब लोगों के भीतर डर पैदा करते हैं और उस डर के माध्यम से आपको यह लगता है कि आपके लिए जो एक आदर्श स्थिति आप उस स्थिति को हासिल करने की तरफ़ बढ़ सकते हैं तो वही आतंकवाद है जिसमें कि बेगुनाह लोगों की जान जाती है जिसमें कि कानून को बहुत ही निकृष्ट तरीके से तोड़ा जाता है जिसमें किसी प्रकार की व्यवस्था के लिए कोई स्थान नहीं होता है तो ये जो एक समस्या है वो हमारे समाज में काफ़ी गहरे स्तर पर मौजूद है क्योंकि बहुत सारी विघटनकारी शक्तियाँ हैं कई बार विदेशी जो हाथ होते हैं उसमें उसे भी इस तरह की घटनाओं में देखा जा सकता है तो जो मुख्य बात है वह यह कि आतंकवाद की एक तो कोई एक रूप परिभाषा एक ऐसी परिभाषा नहीं है जिसे हर कोई स्वीकार कर सके फिर भी अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक और मानवाधिकार के विमर्श में इसे मानवता के विरुद्ध एक अपराध की श्रेणी में रखा जाता है एक संगठित व्यवस्थित हिंसक कार्य जो सामूहिक हत्या को अंजाम दे आतंकवाद कहलाता है आमतौर पर किसी भी हिंसक गतिविधि या अपराध के विरोध के लिए राज्य की आपराधिक न्याय व्यवस्था कानून व्यवस्था के भीतर कानूनी धाराएं अंकित होती हैं जहां अपराध के लिए दंड निहित होता है हालांकि 20वीं सदी के मध्य से और ख़ासतौर पर 21वीं सदी में नाइन इलेवन अमेरिकी हमले के बाद से आतंकवाद ने एक ऐसे अपराध की श्रेणी हासिल की जिसके बारे में माना गया कि राज्य के साधारण कानून इसकी रोकथाम के लिए विफल हैं ऐसे जघन्य माने जाने वाले अपराध की रोकथाम के लिए उपाय भी साधारण से अलग खोजे गए इसी विमर्श में जो कानून निकल कर सामने आए उन्हें आतंक विरोधी कानून माना गया भारत में स्वतंत्र भारत में अभी तक केंद्रीय स्तर पर तीन आतंक विरोधी कानून बनाए गए हैं पहला है यू हिंदी में इसे कहेंगे गैर कानूनी गतिविधि निवारक अधिनियम ऑन लॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट मोटे तौर पर इसमें यह उन्नीस में पारित हुआ था फिर 2004 में 2008 में और 2019 में इसमें संशोधन हुए आ, हम यह कह सकते हैं कि जब 2004 में पोटा के स्थान पर मनमोहन सिंह सरकार इसको लेकर आई तभी यह आतंक विरोधी कानूनों के स्वरूप में आया उसके पहले ये एक असाधारण कानून था जिसका उद, न, उद्देश्य था जो सामूहिक रूप से राज्य के खिलाफ गतिविधि करने वाले संगठन हैं उनको प्रतिबंधित करना तो इसमें ज़्यादा खतरनाक प्रावधान 2004, 2008 और 2019 के संशोधनों के माध्यम से डाले गए जिनके बारे में कुछ हद तक मैं आपको बताऊंगा। तो यू आप याद रखेंगे इसका पूरा टाइटल होगा अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट दूसरा जो कानून था वह 1985 में बना जिसे एक तरीके से मैं कहूँगा कि हम पहला कानून भी मान सकते हैं टेररिस्ट एंड डिस्ट्रप्टिव एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट टाडा और तीसरा जो है प्रिवेंशन ऑफ टेररिस्ट एक्टिविटीज़ एक्ट पोटा जो 2002 में बना और 2004 में इसे निरस्त कर दिया गया अब हम भारत में अगर असाधारण कानूनों के बारे में देखें तो सबसे पहले तो आ, हमें यह समझना होगा कि साधारण कानून और असाधारण कानून में क्या अंतर है अगर कोई व्यक्ति एक अपराध करता है तो आईपीसी या सीआरपीसी के अंतर्गत उसके लिए कुछ प्रावधान किए गए हैं उसके लिए आ, कुछ तरह की सज़ाएँ तय की गई हैं तो बहुत सारे अपराध होते हैं जो इन कानूनों के अंतर्गत आते हैं इन कानूनों में पूरी तरीके से यह बताया गया है कि किस समय व्यक्ति को गिरफ्तार करके किस मामले में कितनी सज़ा दी जा सकती है वह व्यक्ति कब जमानत पाने का अधिकारी हो सकता है तो यह महसूस किया गया कि जो ये कानून है बहुत सारे कानून एक तो ये अपराध हो जाने के बाद ही इसमें लोगों को आरोपी बनाकर गिरफ्तार किया जा सकता है इसके अलावा इस इन कानूनों में जमानत के प्रावधान इतने आसान थे कि ऐसा लगा कि जो विकटनकारी उपद्रवी तत्व हैं उन्हें बड़ी आसानी से जमानत मिल जाती है और वो छूट जाते हैं तो इन्हीं सब स्थितियों से बचने के लिए असाधारण कानूनों की परिकल्पना उभर कर सामने आई यानी कि मोटे तौर पर हम यह कह सकते हैं कि असाधारण कानूनों के अंतर्गत लोगों को अपराध के संदेह में गिरफ्तार करके लंबे समय तक जेल में डालने का प्रावधान किया गया अब अगर आप मोटे तौर पर देखिए तो असाधारण कानूनों का नागरिक स्वतंत्रताओं से सीधा एक अंतर्विरोध है एक टकराव है और उसे ही असाधारण कानूनों की एक समस्या के रूप में इंगित किया जाता रहा है बहरहाल अगर हम भारत में असाधारण कानूनों के बारे में देखें तो हम यह पाएंगे कि जो आतंक विरोधी कानून है आ, उस उनके अलावा भी जिन तीन कानूनों का मैंने ऊपर उल्लेख किया उनके अलावा भी भारत में बहुत से असाधारण कानूनों का अस्तित्व रहा है अपनिवेशिक दौर में बने बहुत से ऐसे कानूनों को जारी रखा गया या फिर स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भी ऐसे कानूनों का निर्माण किया गया है संविधान के लागू होने के बाद पहला निरोध कानून डिटेंशन लॉ प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट निवारक निरोध अधिनियम 1950 था आ, और उस समय सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह मंत्री थे और उन्होंने बाद में यह कहा भी कि जब संसद में इस कानून को पेश करना था तो उस रात उन्हें नींद नहीं आई थी क्योंकि उन्हें ऐसा लगा था कि यह लोकतंत्र के भीतर एक सही कानून नहीं होगा लेकिन इसे फिर से लोकतंत्र की आ, एक तरह की विडम्बना के रूप में आ, प्रस्तुत किया जाता रहा है जिसके बारे में आगे हम देखेंगे इस सैद्धांतिक विमर्श को और इसका उपयोग तेलंगाना कम्युनिस्टों के खिलाफ किया गया आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट बना 1958 में जिसमें कि पूर्वोत्तर के राज्यों में काम करने वाले आर्म फोर्सेस को काफ़ी विशेष शक्तियां प्रदान की गई सुरक्षा एक तरीके से प्रदान की गई उन्नीस में चीन आक्रमण के समय डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट बना भारत सुरक्षा अधिनियम उन्नीस के आम चुनाव में इंदिरा गांधी को संसद में पर्याप्त शक्ति मिल गई उन्होंने संसद से मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट या मीसा पारित करवाया मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट विशेष रूप से उन्नीस में आपातकाल के दौरान छात्र नेताओं पर छात्र कार्यकर्ताओं पर या राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं पर इस्तेमाल किया गया और इसलिए ये काफ़ी कुख्यात भी हुआ आ, इसमें सबसे ज़्यादा रोचक बात यह है कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने अपनी पहली बेटी का नाम सबसे बड़ी बेटी का नाम मीसा रखा क्योंकि उन्हें खुद मीसा के अंतर्गत जेल में डाला गया था उसके बाद उन्नीस सौ अस्सी में कांग्रेस फिर से सत्ता में आ गई मीसा को जनता पार्टी की सरकार जब आई थी तो उसने ख़त्म कर दिया था लेकिन बाकी बहुत सारे जो कानून थे आ, निरो गिरफ्तारी के या असाधारण कानून थे उसे जनता पार्टी की सरकार ने भी कायम रखा था लेकिन जब 1980 में कांग्रेस सत्ता में आई तो उसने एक नया असाधारण कानून बनाया नेशनल सिक्योरिटी एक्ट राष्ट्रीय राष्ट्रीय सुरक्षा कानून जिसे कई बार रासुका भी कहा जाता है अब हम यह समझने की कोशिश करेंगे कि जो अपवाद की स्थिति होती है और जो असाधारण कानून होते हैं उन दोनों के बीच में किस तरीके का संबंध होता है एक तो जो सबसे महत्वपूर्ण बात हो गई वह यह कि जो असाधारण कानून होते हैं वो असाधारण कानून असाधारण स्थितियों से निपटने के लिए बनाए जाते हैं और आ, यह माना जाता है कि कुछ ऐसी स्थितियां हैं जिनसे हम साधारण कानूनों से नहीं निपट सकते हैं और इसीलिए और जैसे मैंने आपको बताया कि कई बार यह माना जाता है कि जो आरोपी हैं उनको जमानत जल्दी से मिल जाती है कई बार यह माना जाता है कि जो व्यक्ति काफ़ी जिनसे खतरा है उन्हे, उन्हें उन्हें एकदम से जेल में डालने के लिए कोई सख्त कानून नहीं है तो इसके असाधारण या अपवाद की स्थिति ही सुरक्षा कानून या आतंक विरोधी कानून के अधिनियमन का औचित्य साबित करते हैं चूंकि ये कानून अपवाद या असाधारण स्थिति की उपज हैं इसलिए इनकी प्रकृति भी असाधारण होती है असाधारण कानूनों के संदर्भ में आतंक विरोधी कानूनों को समझने के लिए ये जरूरी है कि पहले असाधारण या अपवाद की स्थिति को समझा जाए उज्जवल कुमार सिंह ने अपनी पुस्तक स्टेट डेमोक्रेसी एंड एंटी टेरर लॉ इन इंडिया में अपवाद की स्थिति के विमर्श के संदर्भ में कार्ल फ्रेडरिक और कार्ल स्मिथ और अगम्बेन जॉर्जियो अगम्बेन के विचारों को के माध्यम से भारत के संदर्भ में आतंक विरोधी कानूनों की असाधारणता को समझने की कोशिश की है तो जो स्टेट डेमोक्रेसी एंड एंटी टेरर लॉ इन इंडिया है वो मुख्य रूप से पोटा की कहानी से संबंधित किताब है जो कि दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर उज्ज्वल कुमार सिंह के द्वारा लिखी गई है तो इसमें उन्होंने असाधारणता की पूरी जो अवधारणा है उसके बारे में बात की है और कार्ल फ्रेडरिक कार्ल स्मिथ और अगम्बेन के विचारों का उन्होंने सहारा लिया है आतंक विरोधी कानूनों की असाधारणता ही इनकी उत्पत्ति प्रकृति कार्य और प्रयोजन को स्पष्ट करती है सुरक्षा से जुड़े कानून एक खास तर्क आधार का पालन करते हैं यह तर्क आधार है राष्ट्र राज्य को बनाए रखने का कार्ल फ्रेडरिक के विचारों में रीजन ऑफ स्टेट या राज्य की तार्किकता की अवधारणा से निकलता है यानी कि मोटे तौर पर यह अवधारणा मानती है कि जब राज्य अस्तित्व संबंधी चुनौतियों से जूझ रहा हो तब राज्य के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए किसी भी तरह का प्रतिबंधित प्रतिबंध रहित उपाय प्रयोग किया जा सकता है यानी अगर हमसे यह कहा जाए कि ऐसी स्थितियां हैं कि हमारे देश को खतरा है हमारे राज्य को खतरा है तो इससे किसी भी तरीके के कानून को जायज़ ठहराया जा सकता है इसे ही रीज़न ऑफ स्टेट कहा है कार्ल फ्रेडरिक ने ऐसी स्थिति को असाधारण या अपवाद की स्थिति के रूप में चिन्हित किया जाता है अपवाद की स्थिति फिर चुनौतियों से लड़ने के लिए असाधारण उपायों की मांग करती है आतंक विरोधी कानून इस अपवाद की स्थिति के विमर्श की पैदावार बन जाते हैं यह कैसे होता है यह स्मिट और अगम्बेन के विचारों में अपवाद की समझ से स्पष्ट होता दिखता है आतंकवाद को राज्य सुरक्षा का राज्य सुरक्षा का के लिए घातक मानकर अपवाद की स्थिति माना जाता है ऐसे में आतंक विरोधी कानूनों के अधिनियमन द्वारा व्याप्त व्यवस्था में उभरी अपवाद की स्थिति से निपटने के लिए फेरबदल किया जाता है या फेरबदल मानक से विपरीत होता है ऐसे में इस बात पर विवाद रहा है कि अपवाद की स्थिति को कानूनी दायरे के अंदर माना जाए या इसके बाहर अगम्बेन मानते हैं कि कानूनी दायरे के भीतर या बाहर दोनों ही पक्ष अपवाद की स्थिति की वास्तविकता को समझा नहीं पाते हैं उनके विचारों में अपवाद की स्थिति एक ऐसी स्थिति है जो कानूनी दायरे के भीतर और बाहर के अंतर को स्पष्ट करती है यही अस्पष्टता आतंक आ, विरोधी कानूनों के प्रयोग में झलकती है जहां साधारण और असाधारण के बीच का अंतर काफ़ी ज़्यादा अस्पष्ट रहता है मोटे तौर पर आ, जो मुख्य बात यहाँ पर है वह यह है कि आ, जो आ, आतंक विरोधी कानून होते हैं पहली बात जो हमने कही वो ये कि वो रीजन ऑफ इस्टेट्स से निकलते हैं यानी कि राज्य के अस्तित्व को खतरा है और राज्य के अस्तित्व के इस खतरे से निपटने के लिए हमें एक ऐसे कानून की आवश्यकता है जिससे कि राज्य के चुनौती देने वाली जो शक्तियां हैं उनसे निपटा जा सके और वो कानून असाधारण प्रकृति का होना चाहिए क्योंकि साधारण प्रकृति के अपराधों के निपटने के से निपटने के लिए तो पहले से ही कानून बने हुए हैं तो ये जो एक स्थिति है यहाँ पर जो असाधारण कानून होते हैं या जो एंटी टेरर लॉज होते हैं वो कई मरतबा कानूनी और गैर कानूनी के दायरे में चले जाते हैं क्योंकि उनके जो बहुत सारे प्रावधान होते हैं वो कानून की जो एक सोच होती है जो उसका जो एक मानक होता है उससे वो अलग हो जाता है क्योंकि इन कानूनों के अंतर्गत जो लोग गिरफ्तार किए जाते हैं उनसे कुछ ऐसी मांगें की जाती हैं उन पर कुछ ऐसी शर्तें थोपी जाती हैं जो आम तौर पर जो कानून में चीज़ें मौजूद हैं जो साधारण कानून है या या जो आम अपराधियों के लिए जो कानून है उसमें मौजूद नहीं होती हैं मिसाल के तौर पर एक उदाहरण मैं दूंगा और फिर हम आगे और इस पर चर्चा करेंगे जब इन कानूनों की चर्चा करेंगे तो कि एक इसमें है कि इकबालिया बयान को अपने खिलाफ बयान देने को इसमें पुलिस के सामने अगर कोई इकबालिया बयान देता है तो सही मान लेने की प्रवृत्ति होती है जो कि साधारण कानूनों में इस तरह की बात नहीं मानी जाती है या फिर टेलीफोन टैपिंग और दूसरे कई ऐसे माध्यम हैं जिसके कारण से जो व्यक्ति असाधारण कानूनों के विशेष रूप से आतंक विरोधी कानूनों के शिकंजे में आता है उसे अपराधी मान लिया जाता है जबकि यह कहा जा सकता है कि टेलीफोन टैपिंग अधिकांश मामलों में अपने आप में ही एक असाधारण सा कदम है मैं कहना यह चाह रहा हूँ कि जो कार्ल स्मिथ या अगम्बेन हैं उनका यह खासतौर पर अगम्बेन वह यह आर्गूमेंट देते हैं कि जो असाधारण या आतंक विरोधी कानून होते हैं उसमें कानूनी और गैर कानूनी का भेद काफ़ी धुंधला हो जाता है बहुत सारी चीज़ें इन आतंक विरोधी कानूनों में ऐसी होती हैं जो कि आम स्थिति में गैर कानूनी लग सकती हैं तो ये एक बहुत ही विचित्र स्थिति होती है और इन सभी चीज़ों के जस्टिफिकेशन के रूप में रीजन ऑफ स्टेट या राज्य की तार्किकता का उपयोग किया जाता है जिसका अर्थ है कि राज्य के अस्तित्व को बचाने के लिए हर तरह के कदम उठाए जा सकते हैं अब हम भारत में आतंक विरोधी कानूनों के बारे में आगे विचार करते हैं स्वतंत्र भारत में असाधारण शक्तियों वाला कानून पहली बार उन्नीस में बनाया गया उसके पहले जो कानून जिन कानूनों का मैंने जिक्र किया असाधारण कानूनों के रूप में उसमें मोटे तौर पर जमानत की शर्तों को काफ़ी सख्त बना दिया गया उसमें मोटे तौर पर लोगों को लंबे समय तक जेल में रखने की व्यवस्था की गई लेकिन जो उन्नीस में कानून बना उसमें यानी कि अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट उसके बारे में जो खास बात है वह यह है कि लोकसभा में पारित होने से पहले इसे इंदिरा गांधी की सरकार लेकर आई थी और ये दो बार इसे अस्वीकार कर दिया गया था क्योंकि लोग इसकी निरंकुश शक्तियों को लेकर चिंतित हैं और यहाँ पर महत्वपूर्ण बात यह है कि अटल बिहारी वाजपेयी उस समय विपक्ष में नेता थे और उन्होंने इंदिरा गांधी की सरकार की इस कदम की जोरदार मुखालफत की थी और आ, उनका यह तर्क था कि यह एक तरीके से नागरिक स्वतंत्रताओं का गला घोटने वाला कानून है आ, यह बात इसलिए भी जरूरी है क्योंकि बाद में 2002 में खुद अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार पोटा कानून लेकर आती है और उस समय कांग्रेस पार्टी इसका जबरदस्त विरोध करती है तो ये ये एक तरीके से शायद रीज़न ऑफ स्टेट तर्क आ, की मजबूती है कि जो दल सत्ता में जाता है वो ऐसे कानूनों के का समर्थक बन जाता है और जब वो विपक्ष में रहता है तो वो इसकी मुखालफत करता है लेकिन हम इस बिंदु पर बाद में आएंगे मुख्य बात यह है कि जब उन्नीस में यह कानून बना तो आ, उसके पीछे मुख्य सरकार की जो चिंता थी वह यह थी कि जो पृथकतावादी आंदोलन मजबूती प्राप्त कर रहे थे वैसे आंदोलनों को रोकने के लिए यू जैसे कानून को बनाया जाए और उन्नीस में केंद्र सरकार ने संगठन की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार पर पाबंदी लगाने का अधिकार प्राप्त किया यू के द्वारा तो ये जो एक यू का जो एक प्रमुख प्रावधान था वह इसी रूप में था यानी कि ये इसका असाधारण प्रावधान यह था कि यह संगठन की जो आज़ादी थी उसको प्रतिबंधित कर सकता था इस कानून के तहत कोई भी संगठन सिर्फ इस आधार पर प्रतिबंधित किया जा सकता था कि केंद्र सरकार यह मानती है कि वो संगठन गैर कानूनी गतिविधियों को अंजाम दे रहा है तो ये एक तरीके से आर्बिट्रली मनमाने तरीके से भी इसका उपयोग किया जा सकता था केंद्र सरकार के द्वारा यू ए पी ए में उन्नीस से लेकर अब तक तीन संशोधन हो चुके हैं जिसका कि मैंने पहले उल्लेख किया था 2004 में 2008 में और 2019 में और इसके जरिए इस कानून को और ज़्यादा असाधारण शक्तियाँ दी गई हैं पर यू में लाए गए हालिया संशोधनों को समझने के लिए यह अनिवार्य है कि हम यू से पहले टाडा और पोटा को समझें जो टाडा कानून है आ, उसमें जो मुख्य बात है वो ये कि ये पहला बहुत ही आ, मजबूत आतंक विरोधी कानून था 1980 के दशक में जब खालिस्तान आंदोलन चल रहा था एक पृथकतावादी आंदोलन के रूप में तो उससे जूझने के लिए सरकार को एक असाधारण शक्तियों वाले कानून की ज़रूरत महसूस होने लगी आ, मुझे उम्मीद है कि आप में से बहुत सारे लोगों को खालिस्तान आंदोलन के बारे में थोड़ी जानकारी होगी खालिस्तान आंदोलन उस समय शुरू हुआ जबकि यह माना जाता है और काफ़ी हद तक इस बात में आ, सच्चाई भी है कि अकाली दल की सिख पहचान की राजनीति को काउंटर करने के लिए इंदिरा गांधी ने सिखों के बीच में से कुछ ज़्यादा उग्र तत्वों को थोड़ा बढ़ावा देना शुरू किया भिंडरावाले उनमें से प्रमुख थे बाद में भिंडरावाले ने सिख अस्मिता की बात करते हुए अपने स्वर्ण मंदिर में जो अमृतसर में है वहाँ पर हथियारों का एक जखीरा इकट्ठा कर लिया जिस जब इंदिरा गांधी को यह महसूस हुआ कि यह मामला ज़्यादा गंभीर रूप में सामने आ चुका है तो उन्होंने ऑपरेशन ब्लू स्टार के माध्यम से सेना को यह इजाज़त दी कि वो स्वर्ण मंदिर में जाए और भिंडरा वाले को नियंत्रित करे या तो वो आत्मसमर्पण करे या उन्हें मार दिया जाए भिंडरा वाले को मार दिया जाता है और उसके बाद से एक ऐसी स्थिति बनती है जहाँ पर पाकिस्तान जहाँ पर पंजाब के बहुत से युवा जिन्हें कुछ हद तक पाकिस्तान से भी प्रोत्साहन या सहायता मिलता था उन्हें यह लगा कि हिंदुस्तान के अंदर उनकी धार्मिक भावनाओं को उनकी धार्मिक पहचान को इज्जत नहीं दी जा रही है और एक अलग पंजाब सिख राष्ट्र राज्य बनाने के लिए खालिस्तानी आंदोलन शुरू हुआ ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है खालिस्तान शब्द और इसके आंदोलन को जानना क्योंकि कई बार आजकल के दौर में इसका इस्तेमाल होता है जैसे तीन कृषि कानूनों के खिलाफ जो आंदोलन चल रहा है तो आप सब में से बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पर ये देखते होंगे कि इन आंदोलन के चलाने वाले किसानों के, के लिए खालिस्तानी शब्द का इस्तेमाल होता है तो मुझे उम्मीद है कि आप इस शब्द और इस आंदोलन के महत्व को समझ गए होंगे और कम से कम उन्नीस के बाद से लेके इक्यानवे बानवे तक पंजाब की स्थिति काफ़ी अशांत रही वहाँ पर आतंकवाद का बोलबाला रहा तो आ, जो टाडा कानून बना उसकी पृष्ठभूमि में जो चिंता काम कर रही थी वो थी खालिस्तानी आंदोलन को नियंत्रित करने की फिर मई 1985 में दिल्ली में हुए लगातार बम विस्फोटों को तत्काल कारण बताते हुए सरकार ने टाडा को संसद में पारित किया चूँकि असाधारण कानून अस्थाई स्थितियों से जूझने के लिए नहीं बल्कि तत्काल स्थितियों को रोकथाम के लिए बनते हैं इनका जीवन काल भी अस्थाई माना जाता है यानी कि यह कहा जाता है कि भाई हम इस कानून को हमेशा के लिए कानून की पुस्तक का हिस्सा नहीं बना रहे हैं और कुछ कुछ समय बाद इसको फिर एक्सटेंशन दिया जाता रहा है इसी विचार के तहत टाडा को दो सालों के लिए लागू किया गया पर अगले एक दशक तक टाडा को हर दो साल के बाद इसके आने वाले दो सालों के लिए विस्तार दिया जाता रहा यू की तरह टाडा के तहत कार्यपालिका के पास टाडा के प्रावधानों को इस्तेमाल करने की असाधारण शक्ति थी टाडा के तहत साधारण कानूनों के मुकाबले डिटेंशन या बंदी बनाने के वारंट के बगैर गिरफ्तारी की विस्तृत अवधि और जमानत आदि के लिए असाधारण प्रावधान मौजूद थे साधारण कानून में आ, मुकदमा से पहले डिटेंशन की अवधि साठ दिनों की होती है पर टाडा के तहत इसे बढ़ाकर एक साल कर दिया गया इसका मतलब यह है कि एक साल तक बिना मुकदमा शुरू किए टाडा के अंतर्गत किसी को जेल में रखा जा सकता है और मैं यहीं पर उज्ज्वल कुमार सिंह के इस महत्वपूर्ण तर्क को दोहराना चाहूँगा जो कि बाद में पुटा पर भी लागू होगा और यू पर भी लागू होगा और वह तर्क यह है कि इन असाधारण कानूनों में प्रावधान यह है कि बिना मुकदमा दायर किए आपको एक साल तक यानी कि बिना आरोप पत्र दायर किए आपको एक साल तक जेल में रखा जा सकता है और जब एक साल समाप्त होने वाला होता है तो ये खतरा है कि पुलिस के द्वारा उसी व्यक्ति पर दोबारा किसी दूसरे मामले में असाधारण कानूनों के तहत मुकदमा दर्ज करके बिना आरोप पत्र दाखिल किए अगले एक साल तक के लिए जेल में डाल दिया जाए और यह एक अनंत काल की प्रवृत्ति बन सकती है तो यह जो एक खतरा है वह काफ़ी महत्वपूर्ण पहलू है इन असाधारण कानूनों का आ, लेकिन मोटे तौर पर आ, अगर हम इन कानूनों के पीछे काम करने वाले तर्क को देखें जो कि मैंने आपको शुरुआत में भी इसका जिक्र किया फिर जब हम असाधारण स्थिति की बात कर रहे थे तब भी हमने इसकी बात कही वो यह कि यह बात कि जो आतंकी गतिविधि करने वाले लोग होते हैं उनके खिलाफ अगर सबूत पुलिस नहीं जुटा पाती है तो फिर वो बड़े आसानी से छूट जाते हैं फिर से वो वही गतिविधि करते हैं तो इससे अच्छा है कि राज्य के पास एक ऐसी शक्ति हो कि ऐसे अपराधियों को या संभावित अपराधियों को जो कि बंदूक उठाकर सौ लोगों को मारेंगे बम विस्फोट करके हजारों लोगों को मारेंगे इससे अच्छा है कि उन्हें जेल में रखा जाए और हमारे कानून में ऐसा प्रावधान हो कि भले ही कोई आरोप पत्र दायर नहीं किया जा रहा है फिर भी इससे ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार करके जेल में रखा जा सकता है तो यही तर्क असाधारण कानूनों में बार बार घूम सामने आता है आ, मैं यह सीधे तौर पर नहीं कहूँगा कि यह तर्क कमज़ोर तर्क है लेकिन यह बात अवश्य है कि ऐसे तर्कों के होने के बावजूद लोगों के नागरिक स्वतंत्रताओं का हनन होने का डर काफ़ी ज़्यादा रहता है इन कानूनों के माध्यम से और अगर हम इस बात पर नज़र डालें तो आ, यह बात आ, कई उदाहरणों से सामने भी आएगी जिसके बारे में मैं आगे उल्लेख करूँगा और अगर हम टाडा में जमानत के नियमों की बात करें तो सामान्य नियम के रूप में टाडा के अंदर जमानत नहीं दिया जा सकता था जमानत तभी मिल सकती थी जब अदालत इस बात से संतुष्ट हो कि अभियुक्त दोषी नहीं है और जमानत मिलने के बाद किसी अपराध को अंजाम नहीं देगा यह अपने आप में अदालत को इसके लिए संतुष्ट करना किसी भी अभियुक्त के लिए, लिए काफ़ी टेढ़ी खीर जैसी स्थिति थी टाडा में स्वीकृत स्वीकृति या इकबाल जुर्म का प्रावधान था यह सबसे चौंकाने वाला प्रावधान था जिसके दुरुपयोग की संभावना सबसे ज़्यादा थी टाडा में पुलिस के सामने दिए गए एक बाल जुर्म को कोर्ट में सबूत का दर्जा हासिल था अब इस प्रावधान में इस बात की पूरी तरह से उपेक्षा की गई थी कि पुलिस के सामने अपराध की स्वीकृति ज़्यादातर दबाव में आकर की जाती है यह प्रावधान टाडा के असाधारणता की पराकाष्ठा थी इसका मतलब यही सीधे तौर पर था कि अगर किसी व्यक्ति को पुलिस गिरफ्तार करती है और फिर पुलिस थाने में वह एक पुलिस के दबाव में डर में आ अपने जुर्म को कबूल करता है तो उसे सबूत के रूप में मान्यता दी जाएगी अगर हम पुलिस के परिप्रेक्ष्य से देखें राज्य के परिप्रेक्ष्य से देखें तो इसका तर्क यही है कि आम तौर पर आतंकवादी इतने ढीठ इतने मज़बूत इतने सख्त होते हैं कि वो अपने अपराधों को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होते हैं तो अगर वो पुलिस उनसे दबाव डालकर एक जुर्म करवा लेती है तो इसमें कौन सी गलती है लेकिन अगर हम हमेशा ही इस तरह के तर्क को नागरिक स्वतंत्रताओं के तराजू पर तोलें तो यह बहुत ही ख़तरनाक तर्क साबित होता है क्योंकि ऐसे में यह संभावना रहती है कि बहुत सारे निर्दोष लोग भी आ, इस तरीके से सजा के हकदार बन जाएं। और हमारी जो पूरी न्यायिक प्रणाली है जिसमें कि निर्दोषों को किसी भी तरीके से सजा ना दिए जाने की बात है उसका एक तरीके से माखौल बन सकता है बहरहाल टाडा के साथ यह बात भी थी कि इसे किसी भी क्षेत्र पर लागू किया जा सकता था जिसे सरकार प्रभावित घोषित करे टाडा लागू होने के बाद वहाँ टाडा कोर्ट का गठन किया जाता था जिसके पास विध्वंसक और हिंसक गतिविधियों पर विचार करने का व्यापक अधिकार होता था अब यह बात भी बहुत महत्वपूर्ण है ये बिंदु कि जो टाडा कोर्ट होते थे उनमें इन सब मामलों पर विचार करने की उनके पास शक्ति शक्ति होती थी और टाडा के भीतर ऐसी विध्वंसक और आतंकवादी गतिविधियों को दंडनीय माना गया जो लोगों में आतंक फैलाए जिससे जान और माल का नुकसान हो या ऐसी धमकी दी जाए आ, आ, या ऐसी कोई गतिविधि की जाए जो जो भारत की संप्रभुता या अखंडता को नुकसान पहुंचाए या भारत के किसी भी क्षेत्र में पृथकता से जुड़ी हुई गतिविधि का समर्थन करे एक तरीके से आ, यह काफ़ी व्यापक परिभाषा है और टाडा के तहत खालिस्तान आंदोलन से जुड़े व्यक्तियों और कश्मीरी मुस्लिमों जिन्हें आमतौर पर आतंकवादी की श्रेणी में देखा जाता है से लेकर फिल्म अभिनेता तक मानव अधिकार कार्यकर्ताओं से लेकर आम किसानों और आदिवासियों तक पर कार्रवाई की गई और आ, इसमें आ, मुझे उम्मीद है आप सब लोग इस बात से परिचित होंगे कि संजय दत्त को भी टाडा के अंतर्गत गिरफ्तार किया गया था और भी कई आ, सारे लोगों को जो कि आम तौर पर आ, आम जीवन से जुड़े हुए लोग थे जिसमें कि हाईकोर्ट के जज पूर्व जज तक शामिल थे जिन्होंने राज्य के लिए आलोचनात्मक विचार रखे उन्हें भी आ, इस टाडा के अंतर्गत गिरफ्तार किया गया अब टाडा में आ, अगर हम उन्नीस में गृह मंत्रालय के आंकड़ों को को देखें तो उससे यह बात साबित हो सामने आती है कि बावन लोगों को टाडा के अंतर्गत गिरफ्तार किया गया अगर आप स्लाइड्स पर ध्यान देते तो बावन व्यक्ति टाडा टाडा के तहत हिरासत में लिए गए और इसमें से उन्नीस के आंकड़ों के अनुसार आई मीन I mean, दोबारा अगले साल हम देखते हैं तो सरसठ हज़ार लोगों को हिरासत में लिया गया तो इतने ज़्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया टाडा के अंतर्गत दो सालों के भीतर जब टाडा के आकलन के लिए आ, केंद्र सरकार द्वारा एक समिति बनाई गई समीक्षा समिति तो इसमें केवल पाँच हज़ार केसों में ही टाडा के आरोप साबित हुए इसका अर्थ यह था कि साठ हज़ार से ज़्यादा लोग टाडा के तहत बेवजह गिरफ्तार हुए तो ये एक आंकड़ा बताता है कि किस तरीके से यह जो एक असाधारण कानून था जिसके अंतर्गत साठ हज़ार लोगों को गिरफ्तार किया गया उनकी नागरिक स्वतंत्रताओं को उनके जीवन के बहुत ही महत्वपूर्ण वर्ष को नष्ट किया गया और आ, एक तरीके से यह निर्दोष व्यक्ति को सजा देने की तरह था तो यह एक कानून की आ, जो पूरी का जो पूरा महत्व था या जिस तर्क को लेकर कानून को लागू किया गया था कि यह आतंकवादी गतिविधियों को रोकने के लिए है उसके खिलाफ भी यह बहुत बड़ी टिप्पणी है यह जो आंकड़ा है और फिर सर्वोच्च न्यायालय ने भी उन्नीस के करतार सिंह बनाम पंजाब राज्य केस में टाडा की संवैधानिक वैधता को माना कि यह संवैधानिक रूप से ठीक है लेकिन धीरे धीरे टाडा के विरुद्ध नागरिक समाज में असंतोष काफ़ी बढ़ने लगा मानव अधिकार आयोग ने भी इसे खत्म करने का सुझाव दिया उन्नीस में टाडा का एक दशक पूरा होने के बाद इसे फिर से विस्तार नहीं दिया गया और इसे भंग माना गया टाडा की एक कानून के रूप में खत्म हो जाने के बाद भी इसके प्रावधानों के तहत चलने वाले केस जीवित माने गए ये आतंक विरोधी कानूनों का सबसे ही विचलित करने वाला प्रावधान है जहां कानून के हटा लेने के बाद भी जितने लोगों पर इसके जीवन काल में आरोप लगाए गए थे वह चलते रहते हैं जब तक कि इसमें कोई फैसला ना हो जाए और यह अपने आप में इसलिए भी आ, बहुत ही गंभीर मामला है और जो कि जो असाधारण कानूनों के नकारात्मक पक्ष को दिखाता है कि अगर किसी कारण से आमतौर पर ऐसे कानूनों के पक्ष में तर्क देते हुए हम यह कहते हैं कि ये कानून जो हैं वो आतंकवाद को रोकने के लिए बनाए गए हैं लेकिन इसमें इस बात की संभावना बहुत ही ज़्यादा है कि अगर कोई व्यक्ति जो कि जो कि आतंकवाद में शामिल नहीं है और किसी अन्य कारणों से जिसके ऊपर इस कानून को लगा दिया जाता है और जैसा कि हमने आंकड़ों में देखा कि ऐसे लोगों की संख्या काफ़ी ज़्यादा थी साठ हजार, हजार लोग ऐसे थे जो जिनके मामले में कभी निर्दोष मानने लायक सॉरी जिनको कभी दोषी ही नहीं माना गया साठ हजार लोग ऐसे थे तो इसका मतलब ये है कि अगर ऐसे किसी व्यक्ति पर मुकदमा दायर कर दिया गया टाडा के अंतर्गत तो टाडा कानून भले ख़त्म हो गया लेकिन जब तक वह निर्दोष साबित नहीं होगा वह इस कानून के घेरे में फंसा रहेगा तो एक तरीके से यह असाधारण कानूनों की बहुत ही गंभीर और विचलित करने वाली सीमाओं को दिखाता है टाडा के को फिर से आगे विस्तार ना दिए जाने के कारण टाडा तो अपने आप एक तरीके से ख़त्म हो गया हालांकि उसके मुकदमे कई मुकदमे यह मुमकिन है कि अभी भी चल रहे हों कुछ वर्ष पहले तक संजय दत्त एक बड़े हाई प्रोफाइल केस में उनको सज़ा मिली थी तो उसके मुकदमे आगे भी चलते रहें लेकिन आ, जो ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है वो यह कि जब एक बार टाडा ख़त्म हो गया तो धीरे धीरे यह एहसास बढ़ने लगा कि आतंकवाद से निपटने के लिए आतंकवादी गतिविधियों में संलिप्त लोगों को जेल में रखने के लिए या उन्हें वास्तविक अर्थ में सजा तक पहुंचाने के लिए साधारण कानून अपने आप में पर्याप्त साबित नहीं हो रहे हैं इसलिए एक अलग से आतंक विरोधी कानून की आवश्यकता महसूस की जाने लगी अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने ऐसे कानून के रूप में पोटा प्रिवेंशन ऑफ टेररिस्ट एक्टिविटीज़ एक्ट को लाने की घोषणा की लाने की कोशिश की और उसको लेकर आए पहले पोटा पोटो के रूप में आया यानी कि पहले ये ऑर्डिनेंस था प्रिवेंशन ऑफ टेररिस्ट एक्टिविटीज़ ऑर्डिनेंस और अब बाद में ये पोटा के रूप में सामने आया अगर हम पोटा आ, के बनने की पृष्ठभूमि पर ध्यान देंगे तो निश्चित रूप से वैश्विक स्तर पर आ, उस समय आतंकवाद एक बड़े खतरे के रूप में उभर कर सामने आ रहा था और भारत में भी यह चीज़ देखी जा रही थी मिसाल के तौर पर अमेरिका में ओसामा बिन लादिन और अलकायदा के द्वारा जो हमला किया गया था ट्विन टावर्स जो न्यूयॉर्क के थे उनको गिरा दिया गया था नाइन एलेवन के आतंकी हमले के रूप में जिसको देखा जाता है यानी कि नौ सेप्टेम्बर को सॉरी ग्यारह सेप्टेम्बर को यह हमला हुआ था और दो को और इसमें वैश्विक स्तर पर यह प्रवृत्ति सामने आने लगी कि आतंकवादियों से निपटने के लिए असाधारण कानूनों की ज़रूरत है तेरह दिसंबर 2001 को हुए भारतीय संसद पर हमले के बाद आतंकवाद के खिलाफ संघर्ष का विमर्श इस कदर तीव्र हुआ कि पोटा के रूप में तीसरे आतंक विरोधी असाधारण कानून की लोकतंत्र में जगह बन गई और मुझे उम्मीद है कि आप में से अधिकांश लोगों को यह पता होगा कि भारतीय संसद पे हमला किया गया था तेरह दिसंबर 2001 को और उस समय संसद का सत्र चल रहा था और प्रधानमंत्री समेत तमाम नेता वहाँ पर मौजूद थे तो यह भारत की राजधानी के केंद्र में इस तरीके से हमले को आतंकवादियों की बहुत बड़ी गुस्ताखी के रूप में देखा गया और उसके बाद ही यह जो भावना पहले से चली आ रही थी कि एक मज़बूत आतंक विरोधी कानून की आवश्यकता है उसने जोर पकड़ा और फिर जो एन या राज्य की जो सरकार थी उसने पहले एक अध्यादेश के रूप में पोटो को लागू किया और फिर मार्च 2002 में असाधारण शक्तियों वाले कानून के रूप में पोटा को लागू किया गया आ, पोटा को लागू करने के लिए चूँकि राज्यसभा में आ, विपक्ष का बहुमत था इसलिए आ, सरकार ने संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान अपनाया और संयुक्त अधिवेशन में काफ़ी तीखी बहस भी हुई आ, सरकार में जो कानून मंत्री थे अरुण जेटली और जो विपक्ष के नेता थे विशेष रूप से कपिल सिब्बल ने एक एक प्रावधान पर बहुत मजबूती से तर्क रखा हालांकि जो चूँकि सरकार को संयुक्त सत्र में जो संयुक्त राज्यसभा और लोकसभा का संयुक्त सत्र हुआ उसमें बहुमत प्राप्त था तो वो कानून पारित हो गया और इसमें टाडा की तरह ही यानी कि पोटा में भी टाडा की तरह ही डिटेंशन यानी कि कैद करने अपराध स्वीकृति जमानत सबूत आदि को लेकर असाधारण प्रावधान थे पोटा ने आतंकवादी गतिविधि की परिभाषा टाडा के तर्ज पर ही रखी पर इसकी सीमा का और भी विस्तार करते हुए कुछ नए प्रावधानों को जोड़ा इन प्रावधानों के जरिए इसने दूसरी कई गतिविधियों को भी दंडनीय बनाया मसलन आतंकवादी संगठन की सदस्यता आत, आतंकवादी संगठन को किसी प्रकार की किसी भी तरह की आर्थिक या अन्य सहायता देना आदि पोटा में भी अपराध स्वीकृति या इकबाल जुर्म को अदालत में सबूत का दर्जा हासिल था इसने टाडा से एक कदम आगे जाकर इलेक्ट्रॉनिक संचार के अवरोधन का प्रावधान भी शामिल किया गया यानी कि इलेक्ट्रॉनिक प्रावधान के अवरोधन का अर्थ हुआ टेलीफोन टैपिंग उसको कानून मानने की उसको सबूत मानने की बात कही गई मेल को सबूत मानने की बात कही गई तो ये एक चीज़ इसमें शामिल हुआ तो आ, इसमें टेलीफोन टेप करने की आज़ादी थी और इसे अदालत में सबूत के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता था यूए का यानी कि यू 1967 के एक प्रावधान को जोड़ते हुए पोटा के तहत उन सभी संगठनों को आतंकवादी संगठन माना गया और प्रतिबंधित किया गया जो पहले से ही यू ए की सूची में शामिल थे पोटा के संदर्भ में पहली बार राज्य स्तर पर भी इस तरह की असाधारण शक्ति वाले कानून लागू किए गए यह एक नए तरह की प्रवृत्ति थी कि राज्य स्तर पर कानूनों को बनाने की शुरुआत हुई पहले महाराष्ट्र में इस तरीके का कानून बना हुआ था महाराष्ट्र मकोका जिसे कहा जाता है महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज क्राइम एक्ट और गुजरात सरकार द्वारा लागू किया गया गुजरात कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज क्राइम एक्ट आ, तो आ, केंद्र पर पोटा के साथ ही साथ राज्य स्तरों पर भी इस तरीके राज्य स्तर पर भी इस तरीके के कानून बनने लगे टाडा की तरह ही पोटा में भी यह प्रावधान था कि इसके ख़त्म होने के बाद भी इससे जुड़े मुकदमे चलते रहेंगे तो आ, हम ये देख सकते हैं कि एक तरीके से आ, पोटा के रूप में टाडा की वापसी हुई लेकिन पोटा बहुत सारे मामलों में टाडा से भी खतरनाक था और आ, क्योंकि इसकी असाधारण शक्तियाँ ज़्यादा थीं इसमें फ़ोन टैपिंग की बात कही गई और आ, और किसी भी आतंकवादी संगठन से जुड़ाव रखने को भी आ, या उसे किसी भी तरह की सहायता उपलब्ध कराने को भी आ, एक तरीके से गैरकानूनी या दंडनीय बना दिया गया और आ, मोटे तौर पर आ, जब हम इन चीज़ों को ऊपरी या सतही तौर पर देखते हैं आ, तो ऐसा लगता है कि ये बहुत ही खतरनाक प्रावधान नहीं है लेकिन जब भी हम नागरिक स्वतंत्रता के लिहाज से इस पर विचार करते हैं तो यह प्रावधान असाधारण और, और ख़तरनाक लगते हैं और टाडा की तरह ही पोटा के खिलाफ भी काफ़ी मानवाधिकार उल्लंघन के आरोप लगे और नागरिक समाज ने इस पर काफ़ी असंतोष व्यक्त किया और मोटे तौर पर कई ऐसे उदाहरण सामने आए जहाँ पर सरकार के द्वारा पुलिस पुलिस के द्वारा मनमानी तरीके से पोटा का उपयोग किया गया मिसाल के तौर पर सोनभद्र में आ, कुछ आदिवासियों ने जमीन के विवाद को लेकर कुछ भूमिपतियों की हत्या कर दी तो आदिवासियों के ऊपर पोटा लगा दिया गया जो झारखंड है झारखंड राज्य में भी इसी तरीके की घटना हुई जब नाबालिग या किशोरावस्था वाली लड़कियों के ऊपर पोटा लगा दिया गया और आरोप लगाया गया कि नक्सलियों से उनके संबंध है कई ऐसे मामले आए जहाँ पर दंगे हुए दंगों में जो मुस्लिम थे उन पर कोटा लगा दिया गया जो हिंदू थे उन पर साधारण कानून लगाया गया यानी कि कानून का मनमाने तरीके से इस्तेमाल किया गया तो ये इस तरीके के यानी कि अगर दो पक्षों के बीच में जमीन को लेकर विवाद होता है और उसमें एक पक्ष आदिवासी है और किसी कारण से कोई हिंसा हो जाती है किसी की हत्या हो जाती है तो इससे निपटने के लिए साधारण कानूनों में प्रावधान मौजूद हैं लेकिन उसके बावजूद जब पोटा का इस्तेमाल किया गया तो इसका सीधा सा मतलब यह था कि पोटा ने एक ऐसे कानून का रूप धारण कर लिया जहाँ पर अपने विरोधियों से निपटने के लिए बार बार इसका इस्तेमाल किया जाने लगा विरोधी से यहाँ पर तात्पर्य सिर्फ ये नहीं है कि बड़े नेता बड़े नेताओं के खिलाफ भी इसका, इसका इस्तेमाल किया गया लेकिन आ, जो वैचारिक रूप से विरोधी थे या जो आ, जो जिन्हें विरोधी माना मान लिया गया आ, पुलिस महकमे में या फिर सत्ता प्रतिष्ठान में बैठे लोगों के द्वारा तो इसके कारण से एक ऐसी स्थिति बनी जब जिसके कारण से नागरिक समाज में इसके खिलाफ काफ़ी असंतोष ने जन्म लिया और कांग्रेस पार्टी ने इसको एक चुनावी मुद्दा भी बनाया और जब 2004 का लोकसभा का चुनाव हुआ तो कांग्रेस की उसके बाद सरकार बनी यूपीए की सरकार मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने और चूँकि कांग्रेस ने चुनाव में यह घोषणा की थी कि वह अगर सत्ता में आएगी तो पोटा को निरस्त करेगी तो कांग्रेस की सरकार ने पोटा को निरस्त कर दिया लेकिन जो असली कहानी असाधारण कानूनों के साथ जुड़ी हुई है वह कांग्रेस के द्वारा यू को लागू करने से सामने आती है यू में संशोधन करने के साथ इसको लागू किया गया और यहाँ हमें इस बात को समझना चाहिए जिसकी तरफ मैंने पहले भी इशारा किया था कि आ, जो असाधारण कानून या आतंकवाद विरोधी कानून हैं उनके पक्ष में भी तर्क काफ़ी मजबूत है और जो रीज़न ऑफ स्टेट्स की बात है रीजन ऑफ़ स्टेट यानी कि अस्तित्व राज्य के अस्तित्व का सवाल व या उसकी तार्किकता वह भी अपने आप में मजबूत तर्क है इसी कारण से जो अटल बिहारी वाजपेयी उन्नीस में यू का बहुत ज़बरदस्त तरीके से विरोध करते हैं वही अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार 2004-2002 में पोटा लागू करती है और जो सोनिया गांधी आ, बहुत सख्ती से पोटा का विरोध करती हैं और उनकी पार्टी इसके संदर्भ में बहुत ज़बरदस्त दलीलें देती हैं वह फिर से जब 2004 में सत्ता में आती हैं तो पोटा को निरस्त करने के बावजूद यू को लागू करती हैं उस संशोधनों के साथ जिन संशोधनों के माध्यम से पोटा के अलग अलग तरह के प्रावधानों को शामिल किया गया तो इसके निष्कर्ष में मैं आगे इस बिंदु पर आऊँगा बस मैं यहाँ यही बोलना चाहूँगा कि जो राज्य की तार्किकता का जो तर्क है वो अपने आप में काफ़ी मजबूत है हालांकि लोकतंत्र और इसके साथ एक जबरदस्त अंतर विरोध भी है उससे निपटने का रास्ता क्या हो सकता है इसके बारे में मैं अपने इस पूरी चर्चा के आखिर में कुछ बिंदुओं को बताने की कोशिश करूँगा बहरहाल जो यू है अनलॉफुल एक्टिविटी एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट वो आ, उसमें संगठन की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकारों को प्रतिबंधित करने का प्रावधान था उन्नीस से ही जब यह पहली बार बना अब संशोधनों के बाद 2004 में संशोधनों के बाद एक नया यू अपनी व्यापकता में और भी ज़्यादा विस्तृत है जिसमें भंग हो चुके दो और असाधारण कानूनों टाडा और पोटा के प्रावधान समाहित थे यूए दो तरह की गतिविधियों को दंडित करता है गैर कानूनी और आतंकवादी गैरकानूनी गतिविधियों से तात्पर्य है कि कोई भी गतिविधि जो भारत की किसी भी क्षेत्र में पृथकता का समर्थन करे, भारत की संप्रभुता और अखंडता को चुनौती दे या भारत के विरुद्ध और फैलाने की कोशिश करें आतंकवादी गतिविधि से तात्पर्य है ऐसी गतिविधि जो भारत की एकता अखंडता संप्रभुता और सुरक्षा को खतरा पहुंचाए या भारत के लोगों में या किसी विदेशी भूमि में आतंक फैलाए या फैलाने की संभावना रखें परिभाषा से साफ़ है कि इन दो दंडनीय गतिविधियों के भीतर तमाम किस्म की राजनीतिक गतिविधियों को डाला जा सकता है जो राज्य की विविध नीतियों का विरोध करती हों जिस प्रकार यू लागू किया गया है उससे यह साफ हो जाता है कि सरकार इसका इस्तेमाल हर तरह के प्रतिरोध के दमन के लिए कर रही है इस कानून के अंदर सिर्फ हत्या ही नहीं बल्कि किसी भी तरह की माल की क्षति को भी आतंकवाद की श्रेणी में डाला जाता है यू केवल गैर कानूनी और आतंकवादी गतिविधियों को ही नहीं बल्कि ऐसी किसी गतिविधि को अंजाम देने की चेष्टा को भी दंडित करता है इसका अर्थ है कि व्यक्ति उस कार्य के लिए भी आजीवन कारावास की सजा का हकदार हो सकता है जिसे कभी अंजाम दिया ही ना गया हो यानी कि उसमें एक तरह की सोच की बात हो वास्तव में गतिविधि हुई या नहीं उसमें इस पर ध्यान नहीं दिया गया है संगठन पर प्रतिबंध लगाने के प्रावधान में सिर्फ इतना ही काफ़ी है कि केंद्रीय सरकार को ऐसा लगता है कि एक संगठन पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए जहां एक और पोटा को भंग किए जाने के बाद उसके प्रावधानों को यूपी में डाल दिया गया वही एक छूट भी दी गई पोटा के अंदर प्रावधान था कि अगर पुलिस द्वेश की भावना से किसी पर पोटा लगाए तो उसका यह कदम दंडनीय माना गया माना जाएगा यू के भीतर ऐसे किसी प्रावधान को जगह नहीं दी गई अब दो में Uh, हुए संशोधन में यू के प्रावधान और सख्त बनाए गए इसमें अब किसी व्यक्ति को भी आतंकवादी घोषित करने का प्रावधान किया गया इसमें आतंकी कार्य में संलिप्त व्यक्ति को आतंकवादी घोषित करने की शक्ति दी गई लेकिन आतंकी कार्य की परिभाषा काफ़ी धुंधली है देश की एकता अखंडता आर्थिक संप्रभुता को खतरे में डालने आदि को आतंक आतंकी गतिविधि में शामिल किया गया और uh, जो हम और बाद में जो 2008 में संशोधन हुए उसमें भी पोटा के कई और प्रावधानों को शामिल कर लिया गया तो एक तरीके से हम यह कह सकते हैं कि यू ज़्यादा सख्त तरीके से पोटा के प्रावधानों को कायम रखता है 2008, 2004 और 2019 के संशोधनों के बाद अब अगर हम इस बात पर ध्यान दें कि एक लोकतांत्रिक समाज में यू जैसे कानूनों या आतंकवाद विरोधी असाधारण कानूनों की स्थिति को कैसे समझा जा सकता है तो हमें यह बात जैसे कि मैंने शुरू में भी कहा था और मैं एक बार फिर से इस बात को रेखांकित करना चाहूँगा कि लोकतंत्र में अगर हम बहुत ही एक आम धारणा को अपने साथ लेकर रखें तो इस तर्क में काफ़ी दम है या काफ़ी महत्वपूर्ण तर्क है कि अगर हमारे सामने ऐसे संभावित अपराधी हैं जो बम विस्फोट करके हज़ारों लोगों की हत्या कर सकते हैं जो हिंदुस्तान की एकता अखंडता को तहस नहस कर सकते हैं और जिनसे निपटने के लिए हमारे पास जो साधारण कानून हैं उनमें मजबूत प्रावधान नहीं हैं तो फिर उन्हें नियंत्रित करने का उन्हें सज़ा दिलाने का क्या रास्ता हो सकता है तो सीधा सा जवाब यही आता है कि उन्हें सज़ा दिलाने का रास्ता ये हो सकता है उन्हें नियंत्रित करने का रास्ता ये हो सकता है कि असाधारण कानून बनाए जाएं। ऐसे कानून बनाए जाएं जिनसे इन्हें लंबे समय तक जेल में रखा जा सके जिनसे इन्हें आसानी से सजा दिलाई जा सके जिनसे इनके इकबाल जुर्म को भी सबूत माना जा सके जिनसे इनके फ़ोन टैपिंग को या इनके ईमेल वगैरह को भी अदालत में सबूत के रूप में प्रस्तुत किया जा सके तो ये इसके पीछे एक तर्क काम करता है और एक आम नागरिक के रूप में आमतौर पर हम इन तर्कों का समर्थन करते हैं और हम इन्हें सही मानते हैं लेकिन जो नागरिक संगठन हैं वो आमतौर पर इस बात को लेकर सवाल खड़े करते हैं और उन्होंने बार बार अपने अध्ययनों के द्वारा इस चीज़ को दिखाया है कि चाहे वो टाडा हो चाहे वो पोटा हो चाहे वो यू हो वो कभी भी सिर्फ़ आतंकियों जो वास्तव में जिन्हें देश और जिनसे देश और समाज को खतरा है उनसे निपटने का साधन नहीं रहते हैं बल्कि अक्सर वो राजनीतिक माध्यम बन जाते हैं विरोधियों को नियंत्रित करने का और की आवाज़ों को दबाने का और जैसे मैंने आंकड़ों के तहत टाडा में दिखाया जैसे मैंने पोटा के कुछ उदाहरण दिए और जैसे कि हम यू में देख सकते हैं कि अक्सर यह लोकतंत्र की जो पूरी एक संभावना होती है जिसमें कि अलग अलग तरह की आवाज़ें आएँ आलोचना की आवाज़ों को भी जगह मिले उनके दमन का तरीका इस तरह के कानून बन जाते हैं और कई बार इनके प्रावधान ऐसे होते हैं जिनमें जो अगर आम लोगों पर समाज के वंचित तबकों पर आर्थिक रूप से कमज़ोर लोगों पर लगा दिए जाएँ तो उनके लिए यह एक बहुत बड़े आपदा की तरह हो जाती है क्योंकि इस कानून में इन कानूनों में जमानत मिलना काफ़ी कठिन है और जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर आपके ऊपर या किसी भी नागरिक के ऊपर इस तरीके के असाधारण कानूनों के अंतर्गत मुकदमा दर्ज होता है तो एक अवधि तक आपको जमानत नहीं मिलेगी फिर जैसे ही वो अवधि खत्म होने वाली होती है पुलिस की तरफ से कोई और दूसरी धारा लगा दी जाती है उसी कानून के तहत तो ये एक अंतहीन सिलसिला बन सकता है तो ऐसी स्थिति में जो ज़रूरत है जिस बात पर हमें ध्यान देने की आवश्यकता है वह यह है कि ऐसे कानूनों के प्रावधानों को आलोचनात्मक तरीके से भी देखा जाए मिसाल के तौर पर अगर हम 2019 के यू संशोधन के उदाहरण को लें तो उसमें किसी एक व्यक्ति को भी आतंकी घोषित करने का प्रावधान है फिर यह कहा गया है कि अगर किसी व्यक्ति को आतंकी घोषित किया जाता है तो वो किसी पुनर्याचिका अदालत के पास जाकर अपने आप को मुक्त करा सकता है लेकिन आम तौर पर अगर हम इस तरीके के प्रावधानों को देखें तो इसका ख़तरा यह है कि अगर किसी व्यक्ति को एक बार आतंकी घोषित कर दिया जाता है तो आ, ऐसी स्थिति में भले ही वो निर्दोष हो भले ही वो एक साल बाद छः महीने बाद दो महीने बाद आ, इस आ, आरोप से बरी हो जाए लेकिन तात्कालिक रूप से सामाजिक रूप से उसका बहिष्करण होता है उसकी नौकरी चली जाती है और फिर जब वह इन आरोपों से मुक्त होकर वापस आता है तब भी एक तरह की लांछना के साथ सामाजिक समाज में जीवन जीता है मैं कहना यह चाह रहा हूँ कि जो भारत में आतंक विरोधी कानून बने हैं उन कानूनों का अपना एक औचित्य है और औचित्य इसलिए है क्योंकि हम एक ऐसी स्थिति में रह रहे हैं जहां आंतरिक रूप से भी और बाह्य रूप से भी भारतीय राष्ट्र राज्य कई चुनौतियों का सामना कर रहा है लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि लोकतंत्र के मूल्यों और राज्य की तार्किकता या देश की सुरक्षा के बीच में एक बेहतर संतुलन बनाया जाए ज़रूरत इस बात की है कि जो कानून बने हैं उनका राजनीतिक विरोधियों का दमन करने के लिए इस्तेमाल ना किया जाए ज़रूरत इस बात की भी है कि इन कानूनों के अंतर्गत निर्दोषों को फंसाने की प्रवृत्ति को रोकने और निर्दोष व्यक्तियों को सही तरीके से रास्ता देने का भी प्रावधान हो ज़रूरत इस बात की है कि ज़्यादा बेहतरीन समीक्षा की एक व्यवस्था की जाए क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो आ, ये कानून समाज के भीतर लोकतंत्र के भीतर जो आवाज़ें हैं जो कि आलोचना की आवाज़ें हैं उनका दमन करने का एक साधन बन सकते हैं यह हमने खालिस्तान आंदोलन के समय भी देखा जबकि किसी पूर्व जज पर के नागरिक अधिकारों की बात करने वाले लोगों पर यह कानून लगा दिया गया टाडा कानून लगा दिया गया बाद में हमने पोटा के अंतर्गत ऐसे बहुत सारे उदाहरण हम देख सकते हैं जहाँ पर छोटे छोटे अपराधों के लिए आदिवासियों पर या मुस्लिमों पर या दलितों पर इस तरीके के कानूनों का इस्तेमाल किया गया और उसी तरीके से यू में भी ऐसे कई उदाहरण देखे जा सकते हैं जहाँ पर उन अपराधों के लिए भी यू ए कानून लगाया गया है जहाँ सिर्फ साधारण कानून या सामान्य कानून के प्रावधानों के अंतर्गत लोगों को कैद किया जा सकता था उन पर मुकदमा चलाया जा सकता था या उन्हें सजा दी जा सकती थी इसलिए जो असाधारण या आतंक विरोधी कानून हैं उन्हें आ, सिर्फ असाधारण या आतंकवाद वास्तविक अर्थों में आतंकवाद से जुड़ी गतिविधियों के लिए ही इस्तेमाल किया जाना चाहिए इसके लिए ज़रूरी है कि इन प्रावधानों इन कानूनों की समीक्षा करते हुए इन्हें इस तरीके से बनाया जाए ताकि ये अपने मुख्य उद्देश्य यानी कि देश की सुरक्षा विघनकारी तत्वों को नियंत्रण करने पर ज़्यादा सक्षम तरीके से लागू हो सके और इनके भीतर जो संभावनाएं हैं कि वे नागरिकों की विचार अभिव्यक्ति की आज़ादी आलोचना करने की आज़ादी अपने विचारों को रखते हुए संगठन बनाने की आज़ादी को प्रतिबंधित करते हैं उस संभावना को कम किया जाए या खत्म किया जाए और एक बेहतर समीक्षा की व्यवस्था भी इन कानूनों के भीतर होनी चाहिए क्योंकि अगर हम एक लोकतांत्रिक समाज बनाना चाहते हैं तो लोकतांत्रिक समाज बनाने के लिए जितनी ज़रूरत इस बात की है कि हम समाज में एक सुरक्षा का माहौल तैयार करें बाहरी और आंतरिक आतंकी गतिविधि करने वाले आ, लोगों से आ, उतनी ही सुरक्षा इस बात इतनी ही ज़रूरत इस बात की भी है कि हम नागरिक स्वतंत्रताओं को भी बेहतरीन तरीके से सुरक्षित रखें क्योंकि नागरिक स्वतंत्रताओं के बगैर या सीमित नागरिक स्वतंत्रताओं के साथ एक आ, अच्छे लोकतंत्र की उम्मीद नहीं की जा सकती है क्योंकि लोकतंत्र के लिए यह आवश्यक है कि लोग खुलकर अपने विचारों को रखें और अगर आ, कोई ऐसी गतिविधि है जिसे साधारण कानून के तहत सजा देने लायक माना जाता है तो उसे साधारण कानून के अंतर्गत ही लागू किया जाए मेरी ये कोशिश रही है आज की इस पूरी बातचीत में कि मैं आपको एक सामान्य समझ दे दे सकूँ स्वतंत्र भारत में असाधारण कानूनों के बारे में उनके अर्थ के बारे में आतंक विरोधी कानून एक असाधारण कानून होते हैं लेकिन उनके प्रावधान अन्य असाधारण कानूनों मसलन रासुका वगैरह से भी ज़्यादा सख्त होते हैं तो हमने मुख्य रूप से ध्यान केंद्रित किया इन आतंक विरोधी कानूनों के ऊपर जिसमें विशेष रूप से हमने टाडा पोटा और यू विशेष रूप से 2004 8 आठ और 2019 के संशोधनों के बाद के यू पर आ, ध्यान दिया हमने समझने की कोशिश की कि इनके मुख्य प्रावधान क्या हैं इन प्रावधानों के कि अंतर्गत किस तरीके से इन्हें लागू किया गया है मैंने यह भी कोशिश की कि आपको इन कानूनों के बारे में एक आलोचनात्मक समझ देने का प्रयास करूं और मुझे ये उम्मीद है कि इस पूरी चर्चा के बाद आप आतंक विरोधी कानूनों के पीछे काम कर रहे तर्क और उनकी सीमाओं की एक समझ बना पाए होंगे और हम आ, आगे की चर्चा में भारतीय शासन एवं राजनीति से जुड़े हुए किसी अन्य विषय पर विस्तार से चर्चा करेंगे विस्तार से बातचीत करेंगे और हम कोशिश करेंगे कि हम उन पहलुओं के बारे में एक गहरी और आलोचनात्मक समझ बना पाएँ तो आज की मैं इस चर्चा को यहीं विराम देता हूँ और अगली चर्चा में हम एक अन्य विषय पर बातचीत करेंगे नमस्कार